पाकिस्तान ने हाल ही में समाप्त हुए T20 विश्व कप में ICC द्वारा आयोजित इस इवेंट में भारत के खिलाफ अपनी पहली जीत दर्ज की। भारत और पाकिस्तान के बीच ग्रुप 2 का पहला मुकाबला खेला गया था, जिसमें भारत को 10 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। इसके पीछे का कारण ये था कि भारत के दोनों ओपनर नहीं चल सके और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुखिया और पूर्व क्रिकेटर रमीज राजा ने खुलासा किया है कि उन्होंने अपनी टीम के कप्तान बाबर आजम को बताया था कि रोहित शर्मा से पार कैसे पानी है। हर कोई जानता है कि सीमित ओवरों के क्रिकेट में रोहित शर्मा का क्या ओहदा है और पाकिस्तान की टीम भी इस बात से वाकिफ थी। अगर रोहित शर्मा को जल्दी आउट नहीं किया गया तो टीम बैकफुट पर जा सकती है। वहीं 24 अक्टूबर को दुबई के मैदान पर खेले गए मैच में पाकिस्तान टीम के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी ने यॉर्कर लेंथ की गेंद पर रोहित शर्मा को LBW आउट कर पवेलियन भेज दिया था। वहीं अगले ओवर में उन्होंने दूसरे सलामी बल्लेबाज KL राहुल को चलता किया था। इन दो बड़े झटकों के बाद भारतीय टीम अच्छी वापसी नहीं कर पाई। एक इंटरव्यू में रजीम राजा ने बताया है कि विश्व कप के लिए रवाना होने से पहले बाबर आजम मुख्य चयनकर्ताओं के साथ यहां थे और मैंने उनसे पूछा कि भारत के खिलाफ आपकी क्या योजना है। इसके जवाब में पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम ने कहा था, मेरे पास योजनाएं हैं और हम क्रिक विज को नियुक्त करते हैं और वे मैचअप करते हैं। रजीम ने बताया, मैं समझाता हूं लेकिन भारत की क्रिक विज का इस्तेमाल करेगा और फिर वे आपके खिलाफ एक चाल चलेंगे, इसलिए यह हमारे लिए कुछ ज़्यादा काम का नहीं होता है। इसके बाद रजीम राजा ने समझाया कि रोहित शर्मा लेफ्ट आर्म पेसर्स के खिलाफ संघर्ष करते हैं और अतीत में हमने उन्हें मोहम्मद आमिर के खिलाफ देखा है। रजीम ने बताया कि मैं आपको बता सकता हूं कि अभी रोहित शर्मा से कैसे छुटकारा पाया जाए और बाबर को दिलचस्पी थी। मैंने कहा कि शाहीन अफरीदी को 100 मिली प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी कराएं, शॉर्ट लेग पर एक आदमी और 45 डिग्री पर एक खिलाड़ी रखें, आप उसे आउट कर सकते हैं। हालांकि रोहित शर्मा LBW आउट हुए, लेकिन उनके सामने लेफ्ट आर्म पेसर शाहीन अफरीदी ही थे। रोहित शर्मा के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।